आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं बताने जा रही हूँ पानी पूरी की रेसिपी। सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, एक कप सूजी, एक कप गेहूं का आटा, एक कप चावल का आटा। अब हम इसका सूजी ले रहे हैं, एक कप गेहूं का आटा ले रहे हैं, एक कप चावल का आटा ले रहे हैं और ये गरम पानी है। अब सारा सब मिलाएंगे एक साथ में, सभी चीज़ों को एक साथ में मिलाएंगे। ये इतना गर्म है कि मैं सह भी नहीं पा रही हूँ। अब इसको ऐसा गूंथिए, आप लोग ऐसा इसको गूंथिए कि टाइट हो जाए, इससे बनने में आसानी होगी। अब थोड़ा थोड़ा टाइट हो गया है। आप इसको जितना गूंथोगी उतना अच्छा बनेगा पानी पूरी। अब ये टाइट हो गया, अब ये गूंथ गया और टाइट भी हो गया है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए। एक जग पानी रख रही हूँ और इसी में नींबू का रस डाल 4 चम्मच। नींबू का रस और अपने टेस्ट के अनुसार नमक, अपनी आवश्यकता अनुसार। और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और सूखी लाल मिर्च 1 चम्मच। अब पानी बनके तैयार हो गया पानी पूरी का। अब बनाती हूँ बतासे। ये आटा अब ले आई हूँ, 15-20 मिनट इसको हो गए हैं। अब इसकी पूरियाँ बना देंगे, इनको 3 भाग में बांट देंगे चाकू से। इसकी 3 भाग में बांट दें। अब इसको ऐसे बनाएंगे। अब इसको बेल देंगे गोल गोल पूड़िया की तरह। एकदम गोल गोल पूड़िया की तरह बेलेंगे और पतली पतली, जितनी पतली बनाओगे आप उतनी अच्छी बनेंगे।
इसमें थोड़ा सा, अब ये बेल गया है, अब इसके नीचे थोड़ा सा सूजी डालेंगे, इसमें थोड़ी सी सूजी डाल दी, अब इसको कट कर देंगे। अब ये बेल गया है, अब इसको कट कर देंगे। अभी पूड़ियाँ बन गई हैं, अब दूसरी बनाएंगे, इसको डाल देंगे। अब इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे, इसे उसी तरह से बनाएंगे, गोल गोल पूड़ियाँ बड़ी सी। अब इसमें सूजी डालेंगे थोड़ी सी, इसमें लगे नहीं चपके नहीं, बनाएंगे फिर देखेंगे इसको। अब इसको कट कर देंगे गिलास से। अच्छे से बन जाए, अब इसको भी मेल देंगे इसी तरह से गोल गोल। अब सूजी डाल के इसको मेल देंगे गोल गोल। पूड़िया डाल रहे हैं छोटी छोटी, अब इसको तलेंगे। अब इसमें पूड़ियाँ डालेंगे और इसमें सारी पूड़ियाँ डाल डाल तल लेंगे, दो दो तीन तीन करके। ये पानी पूरी बन के तैयार हो गए हैं, और ये आप लोग देखिए कितनी क्रिस्पी है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है मेरी पूरियाँ, आप लोग देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। इसमें मैं भर रही हूँ मटर, सब मिक्स है, मटर प्याज और मिर्च है, हरे मिर्च, जैसे आपको पसंद हो कड़वा वैसे कड़वा। और ये पानी, ये पानी पूरी आपका हक है, इस पर आप लोग भी खाइए। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको सिर्फ तीन चीज़ें करनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।